नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस को लेके एक सवाल पतियों के द्वारा मुझसे बार बार पूछा जाता है कि सर हमें ये बताइए कि मेरी पत्नी ने मेरे विरुद्ध भरण पोषण प्राप्त करने के लिए न्यायालय में 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा दिया है। मैं अपनी पत्नी को एक भी पैसा भरण पोषण नहीं देना चाहता हूँ, तो सर हमें ये बताइए कि मेरी पत्नी ने जो मेरे विरुद्ध भरण पोषण का मुकदमा किया है, मैं उस मुकदमे को कैसे खारिज करा सकता हूँ और अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से कैसे बच सकता हूं। और ये जो सवाल मैं आपको बता रहा हूं, ये सवाल एक आम सवाल बन गया है और हर एक पति जिसके ऊपर भी 125 सीआरपीसी का मुकदमा उसकी पत्नी ने लगाया है वो जानना चाहता है और इसे ही पूछ रहा है। तो ऐसे में कुछ लोग इसका ही फायदा उठा रहे हैं, कुछ यूट्यूब चैनल वाले हैं, कुछ वेबसाइट वाले हैं अपनी वेबसाइट पे यूट्यूब चैनल पे इसी संबंध में बहुत सारी फालतू जानकारियां देने लग रहे हैं क्योंकि उन्हें व्यू से मतलब होता है, उन्हें इससे मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके चैनल को देखे, उनकी वेबसाइट पे विजिट करें। तो ऐसे में वो गलत सलत जानकारियां, फालतू जानकारियां लोगों को दे रही हैं और उन्हें ही पढ़ के लोग भ्रमित हो जा रहे हैं और लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तविकता क्या है और किस प्रकार से वास्तव में भरण पोषण देने से बचा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो लीगली चीज है और जो वास्तव में होती है न्यायालय में जो होती है और जिन आधारों पर आप भरण पोषण देने से पत्नी को बच सकती है, उसका मुकदमा खारिज करा सकती है, वही सारी चीज बताने वाला हूं। और जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है, जो भी आपको भ्रमित किया गया है, वो सारा कंफ्यूजन और सारा भ्रम आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका समाप्त कर दूंगा। और जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो एकदम लीगली बताऊंगा और जेन्युइन चीजें बताऊंगा। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उसके अलावा अन्य कोई दूसरा तरीका नहीं है, दूसरा प्रोविजन नहीं है जिसके तहत आप पत्नी को भरण पोषण देने से बच जाए और पत्नी का भरण पोषण वाला केस खारिज करा दे। तो जो चीजें मैं आपको आज भरण पोषण के संबंध में बताऊंगा उसे ध्यान से समझिएगा ताकि आप समझ पाए कि किस प्रकार से आप पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकती है, उसका मुकदमा खारिज करा सकती है। तो जो भी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा एकदम लीगली बताऊंगा, एकदम इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा और जेन्युइन चीजें बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है कि आप जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके जज बने तो ऐसे में तैयारी करने के लिए अनएकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि अनएकेडमी पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती है। अभी अनएकेडमी पे जुडिशरी आइकॉनिक नाउ लाइव चल रहा है जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएँ दी जा रही हैं, जैसे कि लाइव डाउट सॉल्विंग, 1:1 लाइव मेंबरशिप, मेंस फोकस टेस्ट सीरीज, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस। और साथ ही साथ अनएकेडमी पे अभी एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2021 प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी बैचेज चल रही हैं। इन बैचेज को अभी स्टार्ट कर दिया गया है और ये सारी बैचेज अभी लाइव रनिंग चल रही हैं। इन बैचेज को आप अपने स्क्रीन पे देख सकती हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप अनएकेडमी को ज्वाइन कर ले और इन बैचेज के साथ अपनी तैयारी शुरू करके अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं और अपने जज बनने के सपने को आसानी से पूरा करें। और साथ ही साथ अनएकेडमी पे T20 मॉक टेस्ट सीरीज ऑन कोर सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट किया गया है जिसमें आपको मॉक टेस्ट देना होता है। इन मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं। तो जितना जल्दी हो सके अनएकेडमी को ज्वाइन करें और इन मॉक टेस्ट को दें और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं ताकि आपका जो PCSJ का एग्जाम है उसे आप आसानी से क्रैक कर पाएं। अनएकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन लेने का चार्ज है वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब देखिए 125 सीआरपीसी में भरण पोषण का प्रोविजन किया गया है, यानी जो पत्नी भरण पोषण की मांग करती है अपने पति से वो 125 सीआरपीसी के अंतर्गत करती है। और 125 सीआरपीसी और 125 सीआरपीसी की उपधारा 4 में ही कुछ ऐसे कारण बताए गए हैं, कुछ ऐसे आधार बताए गए हैं जिन आधारों पे एक पति जो होगा वो अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकेगा। और इसके अलावा यानी जो प्रोविजन किया गया है 125 सीआरपीसी और 125 सीआरपीसी की उपधारा 4 में, उसके अलावा अन्य कोई ऐसा दूसरा प्रोविजन नहीं है, कोई ऐसा दूसरा कारण नहीं है जिस आधार पे जो पति है वो अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बच जाए। तो यानी जो भी चीजें लीगली है, जो प्रोविजन में है, वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ और जिन चीजों से आपको फायदा मिलने वाला है वही आपको मैं बताने वाला हूँ। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उसके अलावा अन्य कोई तरीका नहीं है, कोई अन्य प्रोविजन नहीं है जिसके तहत एक पति जो होगा वो अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बच जाएगा। तो देखिये बारी बारी से मैं इन सारी चीजों
चीजों को आपको अब समझाता हूं। तो देखिए, पहला चीज जो है, जहां पे एक पति जो है वो अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बच जाएगा, जहां पत्नी भरण पोषण करने में समर्थ हो, यानी 125 सीआरपीसी में ही ये प्रोविजन किया गया है कि ऐसी पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में समर्थ नहीं होगी वो अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकेगी। तो यहाँ पे यही चीज निकल के सामने आ रही है कि ऐसी पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में समर्थ होगी वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होगी 125 सीआरपीसी के अंतर्गत। तो ऐसी पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में समर्थ होगी, इसके बावजूद भी 125 सीआरपीसी का केस दी होगी और पति से भरण पोषण की मांग कर रही होगी, तो ऐसी स्थिति में पति यदि सिद्ध कर देता है कि जो पत्नी है वो अपना भरण पोषण करने में समर्थ है, तो ऐसे में पत्नी ने जो मुकदमा किया है पति उसे खारिज करा सकेगा और पत्नी को भरण पोषण देने से बच सकेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली है कि पत्नी जो भरण पोषण करने में समर्थ होगी, वहां पे पति को ये चीज सिद्ध करनी पड़ेगी कि जो पत्नी है वो वास्तव में भरण पोषण करने में समर्थ है। ऐसा नहीं है कि पत्नी मान लीजिए अगर समर्थ भी होगी, कोई काम भी कर रही होगी, महीने में 2-4 हजार रुपए कमा भी ले रही होगी और आप ये चीज सिद्ध कर देंगे तो भरण पोषण देने से बच जाएंगे। हाँ, समर्थ का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि पत्नी इतना ज्यादा कमा सके कि अपना लालन पालन कर ले, अगर बच्चे हैं तो उनका भी लालन पालन कर ले, तो ऐसे में ये चीज मानी जाएगी कि समर्थ है। अब मान लीजिए जो पति है वो 50,000 रुपए कमा रहा है और पति सिद्ध कर देता है कि जो पत्नी है वो 5,000 रुपए प्रति माह कमा रही है, तो ऐसे में जो पति है और पत्नी है उनका स्टेटस सेम नहीं रह रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि जो स्टेटस है, यानी पति और पत्नी का स्टेटस है वो सेम रखना होता है, तो ऐसे में यहां भरण पोषण पति को देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो पति है वो भी 5,000 कमा रहा है और पत्नी 5,000 कमा रही है, तो यहां स्टेटस सेम है, तो ऐसे में पति भरण पोषण देने से बच जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो पत्नी है वो वास्तविक उसकी कमाई इतनी ज्यादा है कि वो अपना भरण पोषण करने में समर्थ है, तो ऐसी स्थिति में अगर पत्नी भरण पोषण की मांग करती है तो पति उसके केस को खारिज करा सकता है और भरण पोषण देने से बच सकता है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज यही है कि पति को ये चीज सिद्ध करना पड़ेगा न्यायालय में कि जो पत्नी है वो अपना भरण पोषण करने में समर्थ है। अब दूसरी चीज जो यहाँ पे दूसरा प्रोविजन किया गया है वो 125 सीआरपीसी की उपधारा 4 में किया गया है। यहाँ पत्नी जारता की दशा में रह रही है, यानी अगर पत्नी एडल्ट्री में रह रही है और पति इस चीज को न्यायालय में सिद्ध कर देता है, तो ऐसे में जो पत्नी होगी वो भरण पोषण केस की होगी, उस केस को न्यायालय खारिज कर देगा और जो पति होगा वो भरण पोषण देने से बच जाएगा। यानी अगर पत्नी जारता की दशा में रह रही है, पति इस चीज को सिद्ध कर देता है, तो वो भरण पोषण देने से बच जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पत्नी जारता की दशा में रह रही है, पति के पास कोई सबूत नहीं है, न्यायालय में इसे सिद्ध नहीं कर पाता है, तो भी पति को पोषण देना पड़ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट यही चीज है कि पति को यह भी चीज सिद्ध करनी पड़ेगी न्यायालय में, तभी वो भरण पोषण देने से बच पाएगा। अब देखिए, तीसरा जो प्रोविजन है इसे भी 125 सीआरपीसी की उपधारा 4 में किया गया है। पत्नी बिना उचित कारण अलग रहती हो, यानी अगर आपकी पत्नी आपसे बिना उचित कारण के ही अलग रह रही है, तो ऐसे में भी आपकी पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी जो पत्नी है वो बिना उचित कारण के ही मायके चली गई है, आपके साथ नहीं रह रही है, और उसके बाद उसने 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए केस किया है, और ऐसे में उसने जो मुकदमा किया है, 125 सीआरपीसी का मुकदमा किया है, उसमें आप सिद्ध कर देती हैं कि जो आपकी पत्नी आधार बना रही है, अलग रहने का आधार बता रही है, वो उचित नहीं है, पत्नी बिना कारण के ही आपसे अलग रह रही है, पत्नी के पास अलग रहने का कोई उचित आधार नहीं है, तो भी ऐसे में जो न्यायालय होगा पत्नी के भरण पोषण का मुकदमा खारिज कर देगा और जो पति होगा वो भरण पोषण देने से बच जाएगा। तो यहाँ ये भी चीज एक प्रोविजन की गई है कि अगर जो पत्नी है वो बिना उचित कारण के ही पति से अलग रह रही है, तो भी पति भरण पोषण देने से बच जाएगा। जो चौथा प्रोविजन यहाँ पे किया गया है वो भी 125 सीआरपीसी की उपधारा 4 में ही किया गया है। यहाँ ये कहा गया है कि पति पत्नी आपसी सम्मत से अलग रह रहे हो, यानी अगर पति और पत्नी दोनों सहमति से अलग रह रहे हो, दोनों में कोई कारण नहीं हो कि इस कारण से अलग रह रहे हैं, सिर्फ उनका मेल मिलाप नहीं हो पा रहा है, मस्तिष्क नहीं मिल पा रहा है, दोनों में प्रेम स्नेह नहीं है और इस वजह से दोनों अलग अलग हो गए हो, साथ नहीं रहना चाहते हो, और ऐसी स्थिति में भी अगर भरण पोषण की मांग पत्नी करेगी और पति जो होगा वो सिद्ध कर देगा कि दोनों अलग अलग सहमति से अलग रह रहे थे और पत्नी जो है वो भरण पोषण की मांग कर रही है वो गलत मांग कर रही है, वो सहमति से अलग रह रही है, तो भी ऐसे में जो पत्नी होगी वो भरण पोषण का जो केस की होगी उसका जो मुकदमा होगा न्यायालय उसे खारिज कर देगा, क्योंकि जहां पति और पत्नी आपसी सम्मत से अलग रह रहे हों तो वहां पे भी पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती है।
और अगर मान लीजिए आपकी पत्नी और आप आपसी सहमति से विवाह विच्छेद कर रहे हो, तो भी आपकी पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती है, वो भरण पोषण की मांग आपसे नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन किया गया है कि अगर पति और पत्नी आपसी सम्मत से अलग रह रहे हो या फिर अलग हो भी रहे हो, तो भी जो पत्नी होगी वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि जब पति और पत्नी आपसी सम्मत से अलग होती है, तो यहाँ पे पत्नी डिवोर्स के लिए यानी आपसी सम्मत से डिवोर्स के लिए रेडी तभी होती है जब उसे एक मुश्त भरण पोषण मिल जाता है। जब तक उसे एक मुश्त भरण पोषण मिलता ही नहीं है, तब तक वो सम्मत से अलग होने के लिए तैयारी नहीं होती है, इसी वजह से भरण पोषण देना पड़ जाता है। लेकिन प्रोविजन यही है कि अगर आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होगी, लेकिन पति को मजबूरी में देना पड़ जाता है, तभी जाके पत्नी डिवोर्स के लिए रेडी होती है और सम्मत से अलग होती है। तो यहाँ पे जो चार यही प्रोविजन किए गए हैं, इन्हीं प्रोविजन के आधार पे एक पति जो होगा वो अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बच पाएगा और पत्नी का जो मेंटेनेंस केस है उसे खारिज करा पाएगा। अब इसके अलावा अगर आपको कोई अन्य दूसरा तरीका बताया जाता है, किसी भी यूट्यूब चैनल पे बताया जाता है, किसी भी वेबसाइट पे बताया जाता है, किसी अन्य किताब में बताया जाता है, या फिर कोई लोग आपको बताती है, तो ऐसे में आप ये जान जाइए कि वो गलत आपको जानकारी दे रही है। इसके अलावा कोई अन्य दूसरा प्रोविजन है ही नहीं, दूसरा तरीका है ही नहीं, जिसकी वजह से एक जो पति हो वो अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से बच जाए। तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो अस्पष्ट बताई और जो लीगली है, जो जेन्युइन है, जिसका आपको फायदा मिल सकता है, वही चीजें बताई। आपका जो भी भ्रम था, आशा करता हूं मैंने वो समाप्त कर दिया होगा और सही चीज अब आप जान चुके होंगे। अगर आपके मन में अब भी कोई कंफ्यूजन है या फिर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।